आइए ईवीएम के विश्व पटल पर स्थिति को देखें। अमेरिका में वेब हैरिस नाम की महिला ने वोटिंग मशीन का घोटाले की पोल खोली, जिसके बाद 64% अमेरिकी राज्यों में यह मशीन बंद हुई। जर्मनी में इन मशीनों को असंवैधानिक करार दिया गया, क्योंकि मशीनों से एक आम नागरिक चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से नहीं देख सकता। आयरलैंड में इन मशीनों को कूड़े के भाव फेंक दिया गया, क्योंकि इनसे प्रजातंत्र की हत्या होती है। केवल भारत, नाइजीरिया, वेनेजुएला, यूक्रेन जैसे गरीब या विकासशील देशों में ही चुनाव में ईवीएम का प्रयोग हो रहा है। भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, कंबोडिया आदि अन्य गरीब देशों में इन्हें लगाने की योजना चल रही है। जरा सोचिए क्यों, जानते हैं? गरीब देश इसलिए गरीब है क्योंकि अमीर देश उनकी प्राकृतिक संपदाएं लूटते आए हैं। सरकार के रूप में अपने एजेंट स्थापित करके बड़ी कंपनियां अपनी लूट जारी रखती हैं। इंटरनेट और मोबाइल आने से कागज के वोटों से हेर फेर करना मुश्किल हो गया है, इसलिए वोटिंग मशीनें लगाई गई हैं, जिससे कि बिना सबूत के घोटाला होता है और पूरे विपक्ष का काम करना। बस फिर धोखेबाज सरकारें दनादन विदेशी निवेश और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाकर विदेशियों के हाथ में देश को बेचती हैं। याद रखिए, कागज का वोट सस्ता भी है। महंगी मशीनों को 10 साल में बदलना होता है। लोगों को इन्हें चलाने के लिए प्रशिक्षित करना पड़ता है। अगर कागज की पर्ची लगाई जाए तो खर्चा अलग। इसलिए ये कहना कि कागज का वोट महंगा है सरासर झूठ है। इस तरह ये भी झूठ है कि बैलेट में बहुत कागज लगता है। 5 साल में बैलेट में जितना कागज लगता है उतना हम एक दिन में अखबार छापने में खर्च कर देते हैं। कागज बचाना है तो कहीं और बचाया जा सकता है। वोट जैसी कीमती चीज के साथ समझौता करना उचित नहीं होगा। इन मशीनों के साथ अगर पर्चियां भी लगा दी जाए तो भी धोखा जारी रह सकता है। पर्चियों को हाथ से गिनना होगा तो कागज के वोटों को क्यों नहीं गिन ले। हर भारतीय का कर्तव्य है कि वो वोटिंग मशीन के खिलाफ अभियान छेड़े। हेरा फेरी कागज के वोट से भी होती है, लेकिन उसका पता लगाना संभव है। हजारों बोगस वोटों को छापना पड़ता है, फिर बूथ तक लाना पड़ता है। स्टिंग करके पोल खोलना आसान है, दोबारा चुनाव की मांग भी की जा सकती है। हम और आप क्या कर सकते, अपने चुनाव क्षेत्र में आप 64+ स्वतंत्र उम्मीदवारों को खड़ा करें तो इन मशीनों को हटाकर कागज के वोटों को ला सकते हैं, क्योंकि मौजूदा मशीन सिर्फ 64 उम्मीदवारों के वोट गिन सकती है। आप जिस भी पार्टी का समर्थन करें, अपनी पार्टी से मांग करें कि निष्पक्ष चुनाव के लिए कागज का वोट वापस लें। साथ ही अपने परिवार, मित्र, मोहल्लों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मुद्दे पर जागरूक करें और सोशल मीडिया पर शेयर करें। ये देश हमारा है और हम इस देश के भाग्य विधाता हैं, और अपने हक की लड़ाई हमें खुद ही लड़नी होगी। लोकतंत्र को व्यवसाय समझने वाले लोग आपको कभी इस मुद्दे पर एकजुट नहीं होने देंगे, क्योंकि यही इनकी ताकत है। इसकी पहल आपको ही करनी होगी और अंजाम तक आपको ही ले जाना होगा, तभी हम गर्व कर सकेंगे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जय हिंद, जय भारत। Well, in the words of Stalin, he says, those who cast the votes decide nothing. It is those who count the votes who decide everything.